हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी पास वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं, एक बार थम्स अप करके बता दो बेटा। और मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी बच्चे अपना वीडियो विजिबल रखो बेटा। देखो, लास्ट क्लास में भी मैंने 5 to 10 स्टूडेंट को आउट ऑफ क्लास किया था, वो बार बार बोलने पर भी वीडियो विजिबल नहीं कर रहे थे। आपके साथ भी ऐसा ही होगा, अगर आपने वीडियो विजिबल नहीं किया तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। तो सभी बच्चे अपना वीडियो विजिबल रखो, बार बार ना कहना पड़े, ठीक है? वरना फिर आपके घर आकर आपको डांटना पड़ेगा, आपके गार्जियंस को आपकी शिकायत करनी पड़ेगी, तब जाके आप सुधरोगे। पहले नंबर पर सभी कैमरा ऑन रखो अपना। तो बेटे, हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो थी एक्सरसाइज 5.1। इसमें हमने क्या किया था बेटे, बेसिक कर लिया था, क्वेश्चन हमारा स्पष्ट हो गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन को देखो एक बार, सेकंड नहीं थर्ड। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट एबी, ठीक है बच्चों? हमने एबी लाइन सेगमेंट बना लिया। Take a point C lying between A and B. ये लो C, A और B के बीच में ले ले, कहीं पर भी ले ले आप, या कहीं भी ले सकते थे C। अब आपको देना है आपको बताना है क्या AC plus BCB इन दोनों का सम AB के इक्वल है। तो आप यहां पे लिखोगे यस। बेटा आप ध्यान से देखो, ये पूरी AB है। अगर आप इस AC को इस CB में ऐड कर दो तो पूरी AB बन जाएगी कि नहीं? बन जाएगी ना। तो वो ये पूछ रहे हैं क्या AC और BC को ऐड करने से AB बन रही है? यस, बिकॉज C लाइज बिटवीन A एंड B। समझ गए बेटा? क्योंकि सी जो है ना ए और बी के बीच में ही है कहीं ना कहीं। तो अगर हम ए सी और सी बी को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल ए बी आएगी। यस, हमारा आंसर फोर्थ। देखो, इफ ए बी सी आर थ्री पॉइंट्स ऑन ए लाइन सच दैट ए बी की वैल्यू बी सी की वैल्यू ए सी की वैल्यू में दी रखी है, व्हिच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, एक बार मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूं आपको। एक लाइन है बच्चे, इस पर ए है, बी है और सी है बच्चे। तो ए बी कितना है? फाइव सेंटीमीटर। बी सी कितना है बच्चे? थ्री सेंटीमीटर। और AC वो है 8 सेंटीमीटर। यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी क्या? अब आप देख सकते हो ये पूरा 8 है, ये AB 5 है और यहां से BC कितना है बेटे? 3 सेंटीमीटर। यहां पे क्यों पूछ रहे हैं Which one of them lies between other two? इनमें से कौन सा बीच में आएगा? तो आप यहां से देख सकते हो कौन है बीच में। Therefore, B will lie between A and C. B जो है वो A और C के बीच में होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। देखते हैं, पहले लाइन बनाते हैं। यहां पे बच्चे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ए 0 पे है ना? नहीं।
वन पे ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है बेटा। तो उसने क्या कहा कि जो डी है ना वो इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट है, बीच में आ रहा है। तो आप भी देख रहे हो इधर कितने ए थ्री हैं, ए बी सी थ्री है इधर, और उधर देखो ई एफ डी इधर भी थ्री है, तो बीच में आ गया कि नहीं डी, अरे आया कि नहीं डी बीच में आया कि नहीं, तो आप कहो यस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन है ए जी, ठीक है बच्चों। तो यहां पे लिखो बिकॉज देयर आर सेवन लेटर्स ऑफ एट सेंटीमीटर, देयरफॉर मिड पॉइंट क्या होगा बेटे सेवन में वन प्लस क्या करो डिवाइड बाई टू, तो एट में टू का डिवाइड करो तो आएगा फोर, सो डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए जी, समझ गए बेटा। क्यों एट का डिवाइड, क्योंकि एट में क्योंकि बेटे देखो ये इसको काउंट नहीं किया गया है, जीरो से वन तक जो हमारा ग्रुप है ना उसको शामिल नहीं किया गया, इसमें किस किस को किया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये बाकी का सेवन उधर का, तो इस ग्रुप को शामिल करने के लिए क्या करोगे यहाँ पर ऐसे देख लो पूरी काउंटिंग की थी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है ना, तो आपके बीच वाला कौन सा आएगा फोर वाला आएगा, ठीक है बच्चा। तो D क्या होगा मिड पॉइंट होगा A G साइज का, ये A से G तक है तो इसको एक साथ नाम दे दो A G, A G मिड पॉइंट में क्या होगा फोर, फोर यानी कि D। जिन बच्चों को समझ में आया थम्स अप करो जल्दी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, ये एसी की चलो एक बार यहां पे बीच में क्या है बेटे डी है बी बी सॉरी मिड पॉइंट है एंड सी इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी, अब सी जो है वो बीडी का मिड पॉइंट है मतलब बी के साथ आगे है यहाँ पे D है, तो ये C BD का मिड पॉइंट हो गया, ये BD है इसका मिड पॉइंट C हो गया। Where A B C D lie on a straight line, say AB equal to CD, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेटे आपको पता है जान से देखो, B is मिड पॉइंट ऑफ एसी है कि नहीं, इस एसी के बीचों बीच में है, तो जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ये डिस्टेंस होगी कि नहीं, तो ये कितनी है ए बी, इसके इक्वल में क्या है ये बी सी आएगी कि नहीं, ऐसे ही सी इज मिड पॉइंट ऑफ BD, C जो है वो BD के बीच में है कि नहीं बेटा, therefore therefore C बीच में है तो जितना BC होगा उतना ही CD होगा, तो BC equal to CD, इसको दे दें equation first और इसको दे दें equation second, ये नाम दे देते हैं बाप, ये नाम को बाप ये किसने को बाप, तो बेटा इधर देखो BC का मान किसके इक्वल आ रहा है AB के, और यहां से BC का मान किसके इक्वल आ रहा है CD के, तो ये AB भी BC के बराबर हो गया CD भी BC के बराबर है, कहने का मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। देखो बेटा तीन बच्चे हैं, एक का नाम है राहुल, एक का नाम है ऋषु और एक का नाम है गौतम, मान लो राहुल और ऋषु आपस में इक्वल है लेंथ में हाइट में इक्वल है, मान लो ये भी 3 फीट का है ये भी 3 फीट का है,
जल्दी कमेंट करो बेटा। वेरी गुड, ऐसे ही कुछ यहां पे ए बी है ना वो भी बी सी की इक्वल है और सी डी है वो भी बी सी की इक्वल है, तो बताओ ए बी और सी डी क्या होंगे आपस में? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों ही बी सी की इक्वल है, ये आपस में इक्वल होगी। ए बी किसके इक्वल होगी? सी डी के। यही तो मैंने कहा था और आंसर आ गया। हमें ये बताना था कि जो ए बी है और ये जो सी डी है ये भी आपस में इक्वल है, तो बेटा वही काम हो गया, देखो बीच में है ना वो ही राहुल के बराबर भी है और इधर वो तन की इक्वल भी है कि नहीं? तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ है, बी सी है ना वो ए बी के बराबर भी है और बी सी सी डी के बराबर भी है, तो कहने का मतलब ए बी और सी डी आपस में बराबर होंगे। बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर दो। ये है क्वेश्चन नंबर सिक्स। जल्दी से इसे स्क्रीन पर ले लो बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, नाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सात। जब भी आप साइड बनाओगे मान लो थ्री है, ये फोर है, ये फाइव, इस फोर है, ये एट है, ये नाइन है, ठीक है बेटा। ऐसे कोई भी साइड लिखते जाओ, ठीक है बेटा। तो बेटा जब भी आप ट्रायंगल बनाओगे उसमें
टू साइड को सम करने पर उन दोनों का सम थर्ड वाली सम से ज्यादा ही आएगा। तो यहां पर लिखना हियर सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है बच्चों, तो हमने इनको मेजर किया तो हमारा जो सम है टू साइड किसी को भी सम कर लो थर्ड से ज्यादा है, ऐसे चेक करो एक बार। थ्री और फोर को सम किया कितना होगा सेवन, फाइव से ज्यादा है। फोर और फाइव को सम कर लो नाइन, थ्री से ज्यादा है। थ्री और फाइव को ऐड कर लो एट, वो फोर से ज्यादा है। ऐसे इसमें देखो फोर और एट को ऐड कर लो ट्वेल्व, नाइन से ज्यादा है। नाइन और एट को सम कर लो 17, 4 से ज्यादा है। 4 और 9 को ऐड करो 13, 8 से ज्यादा है। ऐसा सभी में यही सिस्टम है। तो आप ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं बना सकते जिसमें 2 साइड का सम थर्ड वाली से छोटा, छोटा कभी नहीं आएगा। 2 को ऐड करने पर थर्ड वाली से बड़ा आएगा हमेशा। अब छोटा क्यों नहीं आता है उसका एग्जांपल देखिए। होगा ये तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से।
इज लाइक बिटवीन ए एंड सी। विच इज ऑन लेफ्ट ऑफ सी। सेकंड, विच इज बी साइड ए। नेक्स्ट, इज ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये लाइन आपके पास ए बी सी, ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन लो, इफ ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन बी सी की वैल्यू आपको बतानी कितनी होगी। ये लाइन सेगमेंट है ए बी सी, ठीक है बच्चों। ये टू क्वेश्चन आपको हर में करके लाने हैं, जल्दी से स्क्रीन को क्लोज कर। ठीक है, थोड़ा आज की वीडियो देखने काफी है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट क्लास में आप मुझे कमेंट करके बताना, कोई भी प्रॉब्लम होगी हम सॉर्ट आउट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।